हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, कौन है लाल नागिन? वो लाल नागिन जिसने तबाही मचाने की कोशिश की है प्रथा और महक की जिंदगी में। क्या सच में वो तबाही मचाने के लिए आई है? क्या है लाल नागिन के पीछे का सच? कौन सी है वो लाल नागिन? हम आपको बताएंगे टेली टॉकीज के इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, आ रही है लाल नागिन, वो लाल नागिन जो कि महक और प्रथा की वजह से बाहर आई है। हम आपको बता दें कि नागिन के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब पूरे का पूरा जहर का खट्टा लेके, या यूं कहें जहर का ट्रक लेकर निकलेंगे असुर, और ऐसे में उनकी कैद में होगी एक नागिन। जब महक और प्रथा करेंगे उस ट्रक पर अटैक, क्योंकि उनको पता है, प्रोफेसर ने उन्हें बता दिया है कि उस ट्रक के अंदर जहर है, वो जहर जो हमारे देश को तबाह कर देगा, और इस अटैक में उस लाल नागिन को आजादी दिलवा देगी महक और प्रथा जो कि असुरों की कैद में है। और वो लाल नागिन कोई और नहीं बल्कि वो है सुरभि चंदना। हम आपको बता दें कि आ रही है वापस बानी, और बानी को आजादी दिलवाई है किसी और ने नहीं बल्कि प्रथा और महक ने। पर बानी आकर एक बहुत बड़ा राज बताने वाली है, और बताने वाली है प्रथा को एक नए असुर का चेहरा, वो असुर जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है, जिसका खात्मा करने के लिए महक और प्रथा को फिर से हाथ मिलाना होगा। लेकिन ये दोनों अकेले नहीं कर पाएंगी इस बार इस असुर का सामना, इसका सामना बानी भी इन दोनों के साथ मिलकर करेगी। तो क्या आप तैयार हैं इस बार तीन नागिनों का विष देखने के लिए, तीन नागिनों का तांडव एक साथ देखने के लिए, तीन नागिन जो विनाश करेंगी उसको एक साथ देखने के लिए? हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।